वेलकम टू माई चैनल मवारी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि नीट 2023 में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको काफ़ी हाई कट ऑफ फेस करना पड़ सकता है और कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको लो कट ऑफ फेस करना पड़ सकता है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका स्कोर रेंज क्या है और क्या आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी स्टेट वाइज, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि किस स्टेट का किस रेंज में कट ऑफ रह सकता है। कुछ हाई स्टेट मीन्स हाई मेरिट स्टेट होते हैं, लाइक दिल्ली, जिसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। मीन्स दिल्ली में अगर आप 630 से ऊपर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, 632-635। यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान हो गया, ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको 600 मार्क्स कम से कम लाने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से केरला हो गया साउथ में, जिसमें भी कम से कम 610 से 615 के बीच में आपको स्कोर रखना पड़ सकता है। ठीक है, मीन्स अबव 600 स्कोर रख रहे हैं तो आपको सेफ महसूस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जो कि काफ़ी कम कट ऑफ होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जिसका कट ऑफ 500 तक अप्रोच कर सकता है, 500-510 के अप्रोक्स। कर्नाटका हो गया, उसका भी कट ऑफ 550 की रेंज में अप्रोच करता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 500-520 के बीच में अप्रोच कर सकता है। इससे भी कम जा सकता है क्योंकि काफ़ी सीटें इस बार ऐड हो सकती हैं, तो 500 के अप्रोक्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कट ऑफ रह सकता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो 570-580 के बीच में लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बातें देखनी होगी, कुछ नई सीटें तो ऐड नहीं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन 570-580 या 590 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बड़े आराम से आपका वेस्ट बंगाल में हो सकता है। इसी तरह से आपका पंजाब हो गया, तो पंजाब में भी स्कोर रेंज आपका 570 के से अबव रहता है। 560-570 पे आपको फाइनल राउंड तक सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, तो 560-570 के बीच में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्टेट हैं, लाइक हरियाणा, हरियाणा का भी जो एक्सपेक्टेड है वो 600 के अप्रॉक्स अगर आप रख रहे हैं तो ईज़िली आपको सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, हालांकि इससे नीचे भी कट ऑफ जाता है, लेकिन इतना अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ का भी 560-570 के करीब है, तो काफ़ी आराम से आपको सिटी मिल सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही कॉलेज GMCH चंडीगढ़ और कट ऑफ का ठीक ठाक जाता है, ज़्यादा हाई फाई नहीं जाता है। हालांकि ऑल इंडिया कोटा का इस कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 660-670 या 680 तक चला जाता है, क्योंकि GMCH चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट मीन्स काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड का भी कट ऑफ वही बिहार जैसा 560-570 के करीब, हालांकि बिहार का इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन झारखंड का 570-575 के करीब आपका उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि झारखंड में कई बार कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिलती है, ये भी एक देखने की बात होगी। ठीक है, तो ये तो सीट मैट्रिक्स पे भी पता चलता है। इसके अलावा और भी जो स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल का मैंने बता दिया, झारखंड मैंने कवर कर दिया, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का भी रेंज आपका 575-580, महाराष्ट्र लगभग 545-550 के करीब आप सेफ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से गुजरात हो गया, तो गुजरात में भी अगर आप 570-580 के बीच में लाई कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। और ये सारे स्टेट हैं, एक मैंने एक रेंज बता दी है जिसपे आपको सीटें मिल सकती हैं, ये एक रेंज है, बाकी तो फाइनल मेरिट लिस्ट ही आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। दैट्स ऑल।